मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस ख़ास खबर। सर, मसला ऐसा है कि मैं सुबह से यहाँ हूँ, सुबह में जो खबर खोजने का सिलसिला उन्होंने चालू किया जी, तो एक ही फुट का जो है पानी निकलना चालू हो गया था। और मेरी सबसे बड़ी जो है यहाँ के इंतज़ामिया से एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है जी, कि जो मिट्टी हमको डालना चाहिए थी दो चार महीने पहले और उसको लेवल कर देना चाहिए था और बारिश के लिए उसको इंतजाम करके रखना चाहिए था, तो वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। दो तीन जो है लाइनें वो खाली पड़ी हुई हैं मिट्टी भरो भी, और जहाँ हमको बारिश में कवर नहीं खोदना थी हम वहाँ खोद रहे हैं। अच्छा, तो अगर मेरा पर्सनल आप पूछेंगे तो मैं तो नरस गया हूँ। खुदा की कसम के हमने किस कपकपाहट के साथ में जो है अपनी मैयत को रखा है और वो पानी नीचे से जो है आ रहा है, कम से कम अगर 6 फीट की कवर खोदे हैं तो 4 फीट उसमें पानी है। पानी तो लानत है हमारी ज़िंदगी पे या हमारे मुमरावासियों की या मुसलमानों की या मुसलमानों के जो रहनुमा हैं कि अल्लाह के वास्ते हमको यहीं आना है, मेरे भाई कहीं जाना नहीं है। ये जो हमारे बंगले और फ्लैट और ये सब ये इधर ही रह जाएंगे, अगर हमने इधर की फिक्र नहीं की तो हमारी ज़िंदगी बेकार है मेरे भाई। आज जो मैंने सुबह से मुशाहिदा किया है, कल मुझे पता लगा कि कुछ लोग जो है मैयत को बगैर दफनाए दूसरी जगह ले गए, तो मेरे भाई किसी का भी कलेजा फट जाएगा जिस हाल में हमने मैयत रखी है। रो रो को खबर में आके कोई नहीं रोता है, लेकिन खबर में रखते टाइम भी आंसू निकल गए कि किस हाल में हम अपने प्यारों को दफना रहे हैं। ये एक बड़ा कलेजा और जिगरा चाहिए इंसान को। तो अल्लाह के वास्ते जितने भी हमारे मुमरा के इंतज़ामिया हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी भी उलमा कौंसिल है और जितने भी हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पर जो है इसका हल निकालें। बहुत बुरा हाल है, कबर पानी से भरी हुई है, उसमें भूसा डाल रहे हैं, उसमें कीचड़ है। कसम खुदा कि हम लोग जो है अपनी मैयत को रख ही नहीं सकते, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अल्लाह के वास्ते मुमरा वालों फिक्र करो इसकी। असल में ये तो सियासी मसला है, इस सियासी मसले के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि हम उलमा लाइन से हैं, आइमा लाइन से हैं, तो ये तो सियासी लोगों का मसला जो भी। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है, जो भी इंतज़ामिया है, जो भी यहाँ के बहुत से ट्रस्ट हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो यहाँ के नगर सेवक और सारे लोग हैं अच्छे लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते फ़िलहाल इसका फौरी इंतज़ाम कीजिए। बारिश में जो है लोग दफना नहीं पा रहे हैं, चीखें निकल जा रही हैं लोगों की उस कीचड़ में अपनी मैयत को रखने के लिए, तो फौरी तौर पर इसका इंतज़ाम क्या इंतज़ाम किया जाए इसका। तो अगर हमारा ऐसा ही है तो हमको खड्डी गाँव में कहीं शिफ्टिंग वहाँ दफनाना चाहिए, या ऊपर का जो है जो ऊपर के जो कब्र है उसमें चालू कर देना चाहिए, इतनी कीचड़ में नहीं। जो कब्र खोद रहे हैं ना उनका बेचारों का हमने देखा है, हाँप रहे पसीने में, वो फावड़ा चला नहीं पा रहे, वो लोग पानी फेंक नहीं पा रहे। बिल्कुल।